जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है जो कि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होगा। इस नवरात्रों में विशेष राशि अनुसार क्या करना है या माँ की आराधना कैसे करना है हम विस्तार से बताएंगे। जो वैज्ञानिक लॉजिक है, 9 इंद्रियाँ और 9 रात्र का जो संबंध होता है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गा देवी जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ पीताम्बरा का जो आशीर्वाद होता है, हर किसी के जीवन में एक नया वरदान या नया उत्सुक नया माहौल क्रिएट होता है, उसका सब उपयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक जो लॉजिक है, 9 रात्र में नवरात्रि व्रत रहने से या नवरात्रि में पूजा करने से आपकी जो 9 कुंडली हैं शरीर के अंदर वो जागृत होती हैं, जिसके कारण आपके मन में मनसा वाचा कर्मणा ये चारों चीज़ सिद्ध हो जाती हैं। और जो 5 चीज़ बची हैं कुंडलियों में वो भी आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से आपकी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करें। 17 अक्टूबर को सुबह उठकर नहा धोकर महादेवी के सामने उपस्थित हों, पूरा सिस्टम के साथ एक चौकी, उसमें लाल कपड़ा बिछाएं और अष्टदल बनाएं और माँ दुर्गा जी की मूर्ति रखें, कपड़े के ऊपर कलश स्थापना करें और जो को जरूर बोएं। जो बोने से वंश की वृद्धि होती है और हरा भरा जीवन में हमारे एक माहौल प्रकट होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में कभी दुखियाँ परेशानियाँ नहीं आती हैं। और अष्टमी नवमी के दिन आप जो प्रण करते हैं, व्रत को समाप्त करते हैं, तो कन्या जमाएं। कन्या जमाने के बाद जो है आप खाना खाएं, व्रत को मतलब प्रण करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या पूजन भी आपको करना बहुत आवश्यक है। कन्याओं को लाएं, पहले अपने घर में बुलाएं, उनकी पूजा करें, हाथ में पैर धुलाकर चंदन लगाएं और जल से धुलकर उसका छींटा अपने शरीर पर छोड़ें। उसके छोड़ने के बाद लक्ष्मी की कृपा, दुर्गा जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सबसे बड़ी क्या है कि प्रथमम शैल पुत्रीता द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिवस जो है आप कवच अर्घला का भी पाठ कर सकते हैं हिंदी में या संस्कृत में। इसके करने से आपके जो व्यापार में कोई रुकावट आ रही है, कोई शत्रु आपका पीछा किया हुआ है, कोई आपके ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको सता रहा है, तो प्रथमम शैल पुत्रीता द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथम दिवस आपको कवच अर्घला की लगकर डेली पाठ करना है। इसके करने से वो आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कवच जो होता है वो पावरफुल होता है। इसका पाठ करने से आपके मन में जो जीवन में जो चल रहा जो परेशानियां वो ख़त्म हो जाती हैं। और मूल मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और घी का दीप जलाकर पाठ करेंगे और लास्ट में माँ दुर्गा जी की आरती करेंगे। मूल मंत्र जो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इसकी जप कर सकते हैं कमलगट्टा की माला से या फिर तुलसी की माला से या चंदन की माला से आप जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पाठ में कवच अर्घला कीला पाठ आप डेली करें, इसके करने से आपका कवच बन जाएगा, आपके व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। और 9 दिन तक आपको बाल नहीं कटाना है, ना शेविंग कराना है, ना कोई लहसुन प्याज खाना है, ना नॉनवेज खाना है, इससे आपको बचना है। हिंदू धर्म में यदि आप पैदा हुए हैं तो इस चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं, माता रानी के दोनों में आपका सबका पालन नहीं करते हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन एक नेगेटिव हो जाएगा, आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा या आने वाली जो संतान आपकी आने वाली है उसके लिए जो बीज बोओगे वो आपके साथ काटेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि सतोगुणी बनो, रजोगुणी तमोगुणी मत बनो, सतोगुणी बनो और माँ की आराधना करो, कन्या पूजा करो, व्रत रहो, फास्ट लास्ट रहो, ठीक है। जो व्रत का नियम मैंने पहले ही बताया है ज्योतिष संस्थान के माध्यम से कि व्रत पहला रहो और अष्टमी नवमी दोनों लगातार रहो, तब आपका व्रत पूरा माना जाएगा, या 9 दिन व्रत रहो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको दुर्गा जी की प्राप्ति के लिए, माँ आशीर्वाद के लिए आप जो कवच अर्घला कीला का पाठ कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण वैद्य को बुलाकर घर में दुर्गा सरस्वती का पूरा पाठ करा सकते हैं, उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि नवरात्रों में ज़्यादातर देखा गया लोग हल्के में लेते हैं, फेस्टिवल है, बहुत बड़ा एक वरदान है, अंदर स्टूड होकर आप इस काम को आप करें, पूजा करें, माँ आपकी मुराद पूरी भर देंगी, झोली पूरी भर देंगी। जो आप संतान से विहीन हैं, धन आपके पास नहीं है, आप खाली बैठे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा
और माँ की पूजा जब आप शुरू कर देंगे तो सारा घर का मोमेंट और माहौल बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि माता रानी की पूजा करने वाले व्यक्ति साधक कभी निराश नहीं होते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता न भवति, कभी भी माँ अपने बेटे को कुपात्र नहीं समझती है, बेटा ही मानती है। इसीलिए आप जो है माँ की पूजा करें, जिससे माँ आपसे प्रसन्न होगी और आपका जीवन में कई प्रकार की ऊंचाइयों तक आपको ले जाएंगी। तो उस पूजा का जो नियम होता है, आपको शुद्ध कपड़े पहनना, धुले धुलाए और नहाकर बैठना है और उत्तरमुखी होकर आपको दीपक जलाकर आपको पूजा करनी है। माँ की प्रतिमा, कलश की स्थापना, गौरी गणेश की पूजा आपको डेली करना है और उनको जो विशेष प्रिय होता है मिष्ठान, फूलमाला और पंचमेवा, ये आपको विशेष उनको अर्पण डेली करना है। उसके करने से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और माँ की कृपा आपके घर में बरस जाएगी। कलयुग में चंडी की पूजा बहुत प्रिय है, इसलिए कलयुग चल रहा, कलयुग में चंडी मतलब माँ दुर्गा की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप माँ को एक बार समझ कर आप आगे बढ़ें, माँ की पूजा करें, माँ आपके साथ रहेंगी और आपको पूरा साथ देंगी। अब इसमें गोमती चक्र आता है और कहीं ना कहीं एक कमल का फूल आता है। इनको दोनों को एक कपड़े में गोमती चक्र को रखें, उसके अंदर चांदी के सिक्का और कपड़े बांध कर लाल कपड़े में कमल के फूल को माँ के चरणों में रख दें, वो आपके लिए गुल्लक में रख लें। नवरात्रि के बाद वो आपके लिए धन का रक्षा करेगा, धन की वृद्धि करेगा और कर्जे को ख़त्म करेगा और आय को बढ़ाएगा। इसलिए दर्शकों माँ की पूजा करें, हमारी शुभकामना है, माँ आपके भंडार भरेगी और आपके जीवन नया ताजगी लाएगी। तो इसी निमित्त हम आपको बताना चाहते हैं, बल की, बुद्धि की, धन की प्राप्ति होगी और निरोगी है जो निरोग रोग से दूर हट जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, अपने जीवन को आगे हंसते खेलते जीते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। जय माता दी। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 9650925716 0120410817। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।